आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज संविधान दिवस है। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष को समर्पित किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजीवन संघर्ष किया, बड़े भारी दिक्कतों के चलते उन्होंने एजुकेशन ली, पढ़ाई लिखाई की, और ऐसी एडवर्स हालात में, ऐसे हालात जो उस वक्त के हालात ऐसे दलितों के प्रति आप जानते हैं, शिक्षा का तो कोई नाम ही नहीं था, तो ऐसे हालातों में उन्होंने इतनी भारी एजुकेशन ली और अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज के पद से नवाजा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में आज जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए वो हमारी जाति पाति व्यवस्था के चलते नहीं मिल रहा, इसका कोई हमें गम नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले भारतवर्षी, पूरा विश्व आज भारत बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, उनकी बुद्धिमत्ता की जो है दाद देता है। मैं ये कहूँगा कि हम सबको यथाशक्ति यथास्वभाव समाज के लिए काम करना चाहिए, तन मन धन से मदद करनी चाहिए, तन जो तन से मदद कर सके, जो धन से मदद कर सके, जो मन से मदद कर सके। मन से मदद का मतलब है कि भाई जो आदमी काम कर रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करें और उनको दुष्प्रचार से रोकें।